2.6 कोलाइड क्या है? व्हाट इज अ कोलाइड? क्रियाकलाप तीन में समूह ख को दूध या स्याही में जो मिश्रण प्राप्त हुआ वह क्या है? विलयन या निलंबन? यदि वह दोनों ही नहीं है तो क्या है? अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह विलयन की निलंबन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है, इसे कोलाइड कहा जाता है। इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, इसलिए यह विषमांगी होते हुए भी समांगी प्रतीत होता है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये तली पर भी नहीं बैठते और न ही इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है, किंतु इन्हें अपकेंद्रीय बल लगाकर अलग किया जा सकता है। घरों में दही को मथनी से बिलोकर या मिक्सर में घुमाकर मक्खन निकाला जाता है। यहाँ भी अपकेंद्रीय बल के उपयोग द्वारा कोलाइड से कणों को अलग किया जाता है। यदि आपकी शाला में अपकेंद्रीय यंत्र हो तो एक परख नली में दूध लेकर 2 मिनट तक घुमाकर देखें, क्या दूध से क्रीम पृथक होती है? इसके कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाले प्रकाश में भी देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में यह प्रभाव धूल और धुएं अर्थात कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। कोलाइड में विलेय के कणों पर विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलेय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं। इस घटना का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था। अतः कणों की इस प्रकार की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। हम जानते हैं कि मिश्रण कई प्रकार के होते हैं तथा इसके अवयवों को पृथक्करण की विभिन्न विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। पृथक किए जाने पर यदि हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिन्हें और सरल रूप में पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पृथक्करण की नई नई विधियों के आने के कारण ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम आज शुद्ध पदार्थ कहते हैं वे भविष्य में मिश्रण निकलें। उदाहरण के लिए, पूर्व में लंबे समय तक हवा को शुद्ध पदार्थ समझा जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि हवा कई गैसों का मिश्रण है। आइए अब हम शुद्ध पदार्थों को विस्तार से समझें।